अंकित भाटी सर, अंकित भाटी सर, अंकित भाटी सर, बच्चों से कहना चाहिए कैलकुलेशन ज्यादा क्या डियारी। तो आपने पूछा भाई आपातकाल कौन लगाता है? अच्छा हाँ जी, इतना आसान पेपर, आसान लग रहा है पेपर, आसान RWA से पढ़े यार, ऑफलाइन कोचिंग कर दिया आपका, ऐसा पेपर आया RWA, मतलब जो नवीन सर है, नवीन सर तो हिस्ट्री बाहर नहीं गई कभी भी। अच्छा। और भाई क्या नाम है जो अंकित सर ने मैथ पढ़ाया, अंकित सर का मैथ यू मान लो गागर में सागर कर लो अंकित सर की, और क्या नाम है जितनी भी GS की गागर सागर है भाई, अंकित चौधरी सर यू मान लो ऐसे RW के हीरो मान लो उन्हें। इतना कह रहा हूँ कि अगर जो गागर में सागर करके चले गए पेपर में पास है, 100% क्लियर करके आएगा, इतना दावा है मेरा RWA पे, विश्वास जता रहा हूँ इतना। और ये मान लो इतनी हल्की 20 में से 20 हर कोई कर रहा है 20 में से 20। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो रीजनिंग के आ रहे हैं वो संदीप सर ने इतनी बढ़िया रीजनिंग पढ़ाई है भाई, क्या कुछ मतलब पूछो, संदीप सर ने जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बताए ना वे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल डिक्टो। राहुल सर जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अभी फिलहाल में, उनमें सुई क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल दबादब, उनमें सुई बिल्कुल भाई, कोई तोड़ना उनका विच्छेद कुछ नहीं, हिंदी व्याकरण कुछ नहीं। तो सबसे बेस्ट इस बार जीडी में किसका स्कोर रहा है भाई? यू मान के चलो RWA इज द बेस्ट, बिल्कुल सबसे जाने वाला, बिल्कुल सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला कौन है भाई बताओ? जिंदाबाद अंकित भाटी सर, अंकित भाटी सर, अंकित भाटी सर, जिंदाबाद अंकित भाटी। बढ़िया गया पेपर, बढ़िया आज क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बढ़िया था, कोई तैयारी करी करियर बिल? अच्छा करियर ऑनलाइन ही करिए? हाँ ऑनलाइन करियर बिल। चलो ठीक है भैया, और कोई देखा है भाई? भैया बताओ कोई क्वेश्चन? पेपर तो ठीक ही था, क्वेश्चन एक था कुछ की आपातकाल था, एक क्वेश्चन आपातकाल कौन लगा सकता है, एक से अधिक जो एक से अधिक जो कोशिका होती है क्या कहते हैं, तो बहु कोशिका था उसका आंसर। और जो है रीजनिंग बिल्कुल सिंपल, जिसने RWA था जो तैयारी करी हो ना, क्लियर करा का पेपर, एक पेपर आसान नहीं पेपर ऐसा आ रहा भाई, क्या जी उस हिसाब से पेपर आसान आ रहा जैसा RWA वाले ने तैयारी करवाई। अगर 61 है अरे उसको दरवाजे 65 नंबर आएगा इधर, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन था कि चार नंबर बत्ती आएंगे, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, इमरजेंसी आप, और एक हाँ एक सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में आता है, अनुच्छेद में भाग 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 में भाग में गया जो पंच परमेश्वर वाली वो योजना वो कौन सी हो, पंचवर्षीय योजना हो कौन सी गया उसके बारे में, राष्ट्र विकास परिषद कौन सा, कौन सा जो अगर गागर में सागर कर लेगा ना RWA वाली वो पेपर काट देगा कैडा करके। हिंदी तो इतनी हल्की आ रही है, बड़ी हल्की वाली, तो इतना विश्वास है RWA पे बहुत, अगर बढ़िया अगर RWA तो तैयारी करेगा ना कैडी वाली वो पेपर काट देगा आराम से। और था कि एक मेक इन इंडिया कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, कितने साल हो गए, कितने साल पर हो गए, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ आते रहते हैं। हिस्ट्री से क्या था भैया, हिस्ट्री से तो नहीं था, कैसे वंश पूछे जा रहे थे पहले भी आ रहे ज्योग्राफी से नहीं साइंस से तो बता, ये था कोशिका था एक सदी कोशिका, नहीं तो करंट थी, और तो टाइम में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं टाइम में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल कितने टाइम कर लिए भैया? मैंने 72। चलो बहुत अच्छा स्कोर करा तुमने, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन भाई, भैया कैसा पेपर आ रहा बताओ? भाई पेपर तो आ रहा बहुत कैड़ा, हमने मेहनत कर रखी थी लेकिन हम कर आए 72 क्वेश्चन कर का है भाई। अच्छा कैलकुलेशन बहुत कैड़ी आ रही है, बहुत ही ज्यादा भारी लगी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हमें क्या, हमने मेहनत करी भारी, क्या मतलब भारी उन्हें लगे कि जिन्होंने मेहनत नहीं करी, 8-8 घंटे पढ़ रहे थे भाई, तो थोड़ी सी GS हार्ड थी, हार्ड है पूरा पेपर, पेपर फाड़ दिया नंबर, अब क्या है घर वाले खुश हम भी खुश। अच्छा मजा आ गया, मजा आ गया पूरा। तो कौन सी पहली प्रेफरेंस किसे डाल ली थी? पहली मैंने पहले तो GS करी, फिर मैंने उसके बाद रीजनिंग करी, और हिंदी करने के बाद मैं लगा सीधा मैथ पे, सारा फाड़ दिया। पोस्ट कौन सी डाली थी फर्स्ट प्रेफरेंस? पोस्ट तो पता नहीं थी, जो भगवान नसीब है जो उनसी आ जाएगी, चलने तो सब बढ़िया ही है, जैसे पेपर अच्छा गया तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ना ब्रो, ऐसे सब में, ऐसे सब में जा रहे हैं, ऐसे सब में जाना बिल्कुल। अच्छा तो कोई क्वेश्चन याद है GS के? है GS के कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, सब तो वहीं छोड़ आए, सब जी ज्योग्राफी से नहीं याद है कुछ, सब वहीं छोड़ आए, आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल वगैरह ना आते इसमें ना रहे कुछ भी, एक आधा क्वेश्चन आया था बस। अच्छा भाग छह मैथ करा आपने, बढ़िया मैथ करा फाड़ू, GS रीजनिंग, रीजनिंग भी गजब कर गई, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ज्यादातर, अपना कैलकुलेशन पे जाते ध्यान रखना,
जो बच्चों से कहना चाहेंगे कैलकुलेशन ज्यादा क्या डी तो आपके हिसाब से मेरिट कितनी जा सके? मेरिट तो ऐसा मान लो तुम 65 तो जा सके जनरल वालों की। जनरल वालों जी अच्छा सिलेक्शन है फाइनल हो जाएगा 65 पे 65 मान ले 60 ना तो 65 मान ले 60 पे फाइनल है भाई। ठीक है कौन सा राज्य ने जीता था सबसे ज्यादा? उसके बाद एक मैथ में रखा था एन बराबर जो 24 का घन 25 का ओम एन बराबर 24 का घन प्लस 25 का घन 26 का घन जो एन है वो 102 से मतलब विभाजित हो जाएगा क्या? ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन रखे थे। सीटिंग अरेंजमेंट का दो क्वेश्चन दे रखे थे, एक सीटिंग अरेंजमेंट का हल्का क्वेश्चन था, एक ठीक ठाक था। हाँ तो कितने बंदे बिठा रखे थे सीटिंग अरेंजमेंट? एक में 5 बैठा रखे थे, दूसरा अटैम्प्ट नहीं करा क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी छोड़ दूंगा बाद में देखूंगा सर। अच्छा भैया बच्चे ही पूछ रहे हिंदी में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी में ज़्यादातर 5 नंबर नॉर्मल सबको बता रहे रिक्त स्थान आवे जावे हैं, लेकिन क्या है आज दे रखा था ना शुद्धवर्तनी कुछ नहीं थी कि शुद्धवर्तनी क्या है मतलब इस शब्द की क्या है वो ऐसा वगैरह कुछ नहीं दे रखा था। बाकी जो है क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे थे, विलोम शब्द पूछ रखा था, पर्यायवाची। हाँ कितने आ रहे हो गए पर्यायवाची कितने हो गए? एक का दो मतलब जो है कम से कम दो तो पर्यायवाची पूछ रखे थे भाई। अच्छा ठीक है विलोम शब्द पूछ रखे थे रेखांकित और उसके बाद जो सेंटेंस पूछ रखे थे 3 इस तरह से कौन सा वाक्य शुद्ध है और जो 2 पूछ रखे थे वे कि इसके स्थान पर क्या शब्द आ सकता है इस तरह से। और कोई कभी कभी वगैरह पूछा कोई कभी? और कुछ नहीं पूछ रखा भाई कभी आ रहा कुछ बताओ। हाँ पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कोई इतना टफ नहीं है मतलब नॉर्मल अगर कोई नॉर्मल बंदा भी पढ़ता है तो वो भी हो जाएगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मैंने अटेम्प्ट किए 75 क्वेश्चन आई थिंक 5 क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट है कि वो हो गए कि नहीं हो गए जैसे आप देख सकते हैं कुछ जीके और जीएस में है क्वेश्चन कुछ जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट से आ रहे हैं और कुछ नहीं है मतलब इजी क्वेश्चन है। मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी है रीजनिंग का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन जो अगर जीएस किसी ने पढ़ी है मेरे लिए टफ थी जीएफ क्योंकि मैं जीएस इतना कभी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है उस पर लेकिन काफ़ी अच्छा है बेटर परफॉर्मेंस तो टाइम लिया मैथ ने नहीं मैथ इतना टाइम नहीं ले रहा है टाइम मैनेज हो गया आपका? हाँ आराम से मैनेज हो गया दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जैसे हमारा जो सबसे छोटा वेद है वो कौन सा है जिसमें सारे मतलब ये क्या बोलते हैं जिसमें मंत्र वगैरह है और अर्जुन अवार्ड कब से स्टार्ट किया गया था एक क्वेश्चन ये था और बहुत सारे क्वेश्चन है अभी सारे तो मैं आपको रीड नहीं करा सकता लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी आ रही है रीजनिंग अच्छा है रीजनिंग का पोर्शन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है।